इंसान कोई चार बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। एक डॉट चाणक्य बताते हैं कि जिस प्रकार अकेला चंद्रमा ही अंधकार को मिटा देता है और असंख्य तारे मिलकर भी अंधकार को नहीं मिटा पाते, उसी तरह अनेक कुपुत्रों की अपेक्षा एक सुपुत्र ही परिवार को प्रकाश की ओर ले आता है। दो विद्या कामधेनु के समान गुण वाली है, क्योंकि यह बिना समय के भी फल देने वाली है। यह विद्या प्रवास में, विदेश में माता के समान हित और रक्षा करने वाली है। अथ विद्या को छिपा हुआ धन कहा गया है। तीन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख पुत्र दीर्घायु वाला उत्पन्न होने पर भी उसकी अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह मरा हुआ पुत्र थोड़े समय के लिए दुःखदायी होता है और मूर्ख जब तक जीता है, जीवन धारण करता है, तब तक कष्ट पहुंचाता है। चार आचार्य चाणक्य का मत है कि बुरे ग्राम में निवास, नीच कुल की सेवा, खुरा भोजन और क्रोधी स्वभाव वाली पत्नी तथा मूर्ख पुत्र और विधवा कन्याएं यह बिना अग्नि के ही शरीर को जलाते हैं।